मिस्टर पवन कुमार सिंह। पवन जी थोड़ा अपने बारे में बताएं, बॉर्न ब्रॉट अप। बॉर्न बिहार का हूँ मैं। और कौन सी जगह? मैं झारखंड हजारीबाग का रहने वाला हूँ। पहले वो बिहार था, बाद में झारखंड हो गया। मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी। बॉम्बे कब आना हुआ? 18 से 19 साल पहले मेरा बॉम्बे आना हुआ। 19 साल में आने के बाद यहीं पर मेरी दुकान हम लोगों ने स्टार्ट की। पहले हमारा टू व्हीलर्स का काम था। मेरे अंकल लोग यहाँ पे पहले थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया कि भाई पढ़े लिखे आओ हमारे साथ में हेल्प करो। वो अकेले थे, मैं उनके साथ में आया। बाद में हमने यहाँ पर मोबाइल्स का अच्छा क्रेज देखा, तो मैंने एक शौकिया तौर पे मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन आज मोबाइल की वजह से मेरे आज खुद का फ्लैट, दुकान, गाड़ियाँ जो भी हैं वो मेरी है। मेरे भाई बहनों की शादी मैंने इससे कमा के ही किया है। आज जो भी संपत्ति मेरे पास है वो सारा हमने इससे ही बनाया। आपकी ये जो नोकिया की शॉप है सेक्टर नंबर के 7 में, काफ़ी दिनों से है, क्योंकि मैं भी 10-12 साल से यहाँ देख रहा हूँ। तो आप काफ़ी ऑलरेडी पॉपुलर हैं क्षेत्र में। फिर आपका समाज सेवा की तरफ कैसे आना हुआ? समाज सेवा सर, यहाँ के लोगों में बहुत सारा ऐसा काम था जो हम लोगों ने करके दिया। कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जिनकी वजह से बहुत सारा काम हम उनको मतलब बता नहीं सकते हूँ। लेकिन ऐसा था कि कुछ काम हम लोगों ने रिलेशंस की वजह से, कहीं मेरा ट्रस्ट था, लोगों का काम करके दिया, इसके लिए लोग मुझे पैसा दिए। अच्छा अच्छा जी। तो फिर ये इस बार आपका पहला प्रयास है जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? कौन सर? पहला प्रयास है मेरे जो मेन, जिनको आप आदर्श बोल सकते हैं, वो आदर्श श्री आनंद राव अटसुल जो MP है, उनके बेटे से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। एक दोस्त की वजह से मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो मेरे बहुत अच्छे उनसे संबंध बने। उनकी वजह से मैं श्री आदित्य जी ठाकरे से 2 बार मिला। अच्छा। और उनसे मेरे अच्छे संबंध हुए। श्री आनंद राव अटसुल के बेटे हैं श्री अभिजीत अटसुल, उनकी वजह से मैंने देखा। मैंने ये देखा कि यंग लोग राजनीति में आके उन लोग क्या क्या कर रहे हैं, और जब तक यंग और पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और देश का विकास एक वार्ड से ही शुरू होता है। हम पहले अपने घर को ठीक कर ले, फिर हम देश के बारे में सोचते। तो आदित्य ठाकरे जी से आप मिले तो यानी ये उम्मीद थी कि आपको शिवसेना से टिकट दिया जाना? नहीं सर, मेरा उनसे कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं। अच्छा, ऐसे ही मिले? मैं एक दोस्त के नाते से उनसे मिला था। मैं श्री आनंद राव अटसुल जी से भी एक दोस्त के नाते ही मिला। तो आपने एज ए इंडिपेंडेंट खड़े होने से पहले कोई इस तरह का प्रयास आपका नहीं रहा कि आप? सर, हमारा प्रयास था, हमारे यहाँ पे एक ऐसे इंसान है जिनको हम कोशिश कर रहे थे कि वो इलेक्शन लड़े। अच्छा। और यहाँ पे जब हम लोगों ने मीटिंग रखी, हमारे जानने पहचाने वाले वहाँ करीब 700 से 800 लोग जमा थे। उन लोगों में जब बातचीत हुई, हवा बताई गई कि इनको खड़ा कर रहे हैं हम अपक्ष में, क्योंकि चंद्रकांत मोदी जी जो पिछले 13 वर्षों से यहाँ पर नगर सेवक हैं जी, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ पब्लिक के लिए। आज गटर का काम पूरा नहीं हुआ है, लोगों का आज तक वोटर आई डी बना नहीं है। यहाँ तक कि जो वोटर्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ 10-10 साल से रह रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। हमारा ये था कि जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं हम एक नया प्रयास करते जी। तो उनको आपने सपोर्ट किया? हम एक नए बंदे को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने जब देखा तो वहाँ जितने मेजोरिटी थे उनको पहचानने वाले कम थे, मेरे को पहचानने वाले ज़्यादा थे। उन्होंने सब यही बोला कि अगर आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े हो जाते, जब इनको खड़ा कर रहे हैं, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो तो आप खुद खड़े हो जाइए। बराबर। जब आपको सारे लोग पहचानते हैं तो वो आपको ज़्यादा समर्थन मिलेगा। तो जब आप खड़े हो गए एज ए इंडिपेंडेंट, तो आपको प्रयास नहीं किया गया कि आप ना खड़े हों? सर, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। बोलना आप अगर इसको डालने वाले हैं तो अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों की हमारे साथ में पैसों का भी हमें ऑफर आया। अच्छा। हमारे ऊपर धमकियाँ भी आईं और हमें प्यार से भी और साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके बैठाने की कोशिश की। लेकिन मैंने यहाँ के वोट के हर बंदे को जो मुझे जानता है, मेरे दुकान पे आते हैं, उनको एक ही वादा किया था कि मैं 2-5 लाख या 50 लाख भी लोग कोई देंगे तो मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं पैसा नहीं कमाया होता तो शायद मैं राजनीति में जाता। राजनीति मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस मोबाइल है। और राजनीति आपके लिए क्या मायने है? सर, राजनीति यही मायने है कि लोकल जितने भी यहाँ के रहवासी हैं, पहला उनका काम होना ज़रूरी है, वो मेरे विचारों को समझे, मैं उनके विचारों को समझूं। और यहाँ के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनको से भी इतना ही कहना चाहूँगा कि ये राजनीति जो इलेक्शन होता है, इसमें लोग शारीरिक और मानसिक, शारीरिक मतलब वो शरीरों से लड़ते हैं, शरीरों से लड़ते हैं, वो एक दूसरे से मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये करते हैं, वो एक दूसरे को मुंह से गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। राजनीति एक वैचारिक झगड़ा होना चाहिए जिसमें हमारा विचार सामने वाले के विचार से मेल नहीं खाता है। वो अगर 10-12 सालों में कुछ काम नहीं कर पाए तो हम अपना विचार जनता तक पहुँचाएँ और हम उनके विचारों को समझें और काम कर सकें। इसको मौखिक और शारीरिक झगड़ा ना बना के वैचारिक झगड़ा बनाएं।
जो पूरे हिंदुस्तान में या पूरे देश में या पूरे आप वर्ल्ड को पकड़ लें, कहीं पर भी मारपीट ना हो और कुछ ना हो और प्यार से झगड़े इलेक्शन से। बड़ी अच्छी आपकी सोच है और ये सोच मैं समझता हूँ लोग को पता लगेगी तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये भाईचारा बढ़ेगा, लोगों में प्यार बहुत बढ़ेगी, यानी दुश्मन दुश्मन के बीच में भी दोस्ती हो सकती है, ये बात आप कर रहे हैं। सर एक तो मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं चाह के भी किसी से दुश्मनी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ धंधा करना है। हार जीत इम्पोर्टेंट नहीं है, हारना जितना रेस में आज 750-700 लोग खड़े होते हैं या जब आप रेस में दौड़ रहे होते हैं 10 लोग आपके कंपटीशन में होते हैं, जीतता एक ही है। ये हो सकता है कि उसके विचार मेरे से कहीं ज़्यादा ऊँचे होंगे इस वजह से वो जीता, हम ये समझ के ना लें कि वो हमसे ज़्यादा उसने पैसे बांटे हैं या उसने हमारे ज़्यादा गुंडागर्दी की है, ऐसा नहीं। मैं अपने विचारों को लेकर जनता के बीच में आया हूँ और अगर मेरे विचार लोगों को समझ में आएंगे तो वो मुझे जिताएंगे, ऐसी मेरी आशा है। क्या ये बात सच है कि लोग बाकी पैसे बांट रहे हैं लोगों के बीच में? सर कोई भी इलेक्शन बिना गुंडागर्दी और बिना पैसे के नहीं होता है हिंदुस्तान या कहीं। आपकी नॉलेज में जानकारी में इस बात की जानकारी या प्रमाण आए हैं कि पैसा? सर प्रमाण तो किसी चीज़ का हिंदुस्तान में आप दे ही नहीं सकते हो, कोर्ट में अगर प्रमाण दिए जाए तो वो भी झुटला दिए जाते हैं, मैं क्या प्रमाण दूँगा। तो आप आज हमारा न्याय जो है न्यायपालिका है, मैं उसमें ऐसा नहीं कहूँगा न्यायपालिका गलत है, लेकिन न्यायपालिका के सामने अगर सच्चे और सही सबूत पेश किए जाए तो शायद हिंदुस्तान से मुजरिम खत्म हो जाए। क्या बात। अच्छा राजनीति में आपका आदर्श कौन है? राजनीति में मेरे आदर्श श्री अभिजीत आनंदराव वटसुल हैं, जो मेरे अच्छे मित्र मेरे शायद आप उनको आप मिले तो शायद वो मुझे मेरे नाम से जानते हैं। पार्टी से हैं वो? शिवसेना से सांसद है सर, अमरावती से। अच्छा। और उनके पिता वो अमरावती से विधायक हैं और उनके पिताजी श्री आनंदराव वटसुल, उनको तीसरी बार भारत रत्न मिला है और वो वहाँ पे पिछले 22 सालों से अमरावती से सांसद हैं। उनके बाद मैं उनसे मेरे पारिवारिक रिलेशन है, वो बाकायदा हमसे मिले हुए हैं, मैं उनको आदर्श गुरु जो भी बोले उनको मानता हूँ क्योंकि मैंने देखा है वो इंसान अगर काम करना चाहे तो करता है। और दूसरा मेरा आदर्श आदित्य ठाकरे हैं। अच्छा। क्योंकि उनके साथ युवा शक्ति है और जब तक युवा आगे नहीं आएंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। आदित्य ठाकरे के आदर्श होने का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि आप जीतने के बाद में शिवसेना में चले जाएंगे? सर मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी उनसे मित्रता है, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, अगर मैं पार्टी से होता तो यहाँ पर अपक्ष का बैनर नहीं लगा होता। जीवन में आपका आदर्श कौन है, किस तरह का जीवन आप चाहते हैं? सर जैसा ऊपर वाले ने आज मेरे को दिया है मैं जिंदगी भर ऐसी ही रहूँ और ऐसी मेरी जिंदगी बीते, बस यही मैं चाहता हूँ। लोगों की खुशहाली के लिए लोगों से मिल रहे हैं, क्या उनसे आप कहना चाहेंगे? सर मैं अभी तक लगभग 1400 से 1500 घरों में जा चुका हूँ, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें मुझे पानी या चाय और खाने का ऑफर नहीं दिया गया, लोग खाना खाते हुए भी हाथ धो के आए कि राजन भाई आप हमारे घर पे आए, यानी काफ़ी प्यार लोगों का आपको मिल रहा है। सर आज तक कभी इस 18-19 साल की मीरा रोड में रहने के बाद आज तक कोई भी एक इंसान आप मीरा रोड में लेके नहीं आ सकते जिससे मेरा एक किसी भी बात को लेके बैसा बैसी भी हुआ, अगर किसी ने मेरे दो वर्ड बोल दिया तो मैं यही सोचता था चल मेरी गलती तो मैं उनसे हाथ जोड़ बोलता ठीक है। यानी हम आपकी जीत पक्की समझें यहाँ से? सर मैदान में जो भी कूदता वो जीतने के लिए ही कूदता, हारने के लिए तो कोई कूदता ही नहीं। जीत पक्की तो जनता के हाथ में, ताश में एक के सिर पर ही जाएगा। कितना भरोसा आपको? जितना आपको आपके भगवान पे भरोसा है उतना मुझे अपने जनता पे भरोसा है। क्या बात। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।